इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुश्ताक सुखेरा साहब ने जो ओवरऑल थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से पॉलिसी बनाई, उसमें उन्होंने वेलफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखा, क्योंकि उनका विजन ये है कि जब तक आप कांस्टेबल की वर्किंग एनवायरनमेंट, उसकी लिविंग कंडीशन चेंज नहीं करेंगे, ये थाना कल्चर जो है ये उस तरह चेंज नहीं होगा जिस तरह वो करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन नकीबी। नाज़रीन, अगर हम पंजाब पुलिस की गुड गवर्नेंस की बात करें तो आज भी पंजाब पुलिस में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी वजह से आवाम को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तलख हकीकत है कि बाज़ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो करप्ट माफिया का कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती भी करते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के मुतल्लक हम बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। उमर सईद मलक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आला कारकर्दगी के पेशे नज़र खादमे आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब ने डीपीओ बिहारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यहां पर तैनात किया है। नाज़रीन, अगर हम आज इनसे मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे और हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस अज़म और किस जज्बे के तहत इन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं रॉयल न्यूज़ का और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। कोई स्पेसिफिक शख्सियत तो मेरे ज़हन में नहीं थी, मगर कुछ वैल्यू सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो कि मैं समझता हूँ एक पुलिस अफसर जो इंसाफ बर वक्त दे सकता है, शायद वो कोई भी अदारा उस तरह नहीं दे सकता। अगर पुलिस अफसर जो इंसाफ से चले तो उसकी दीन दुनिया दोनों उसे समझती है, और वही मोटो वही चीज़ ज़हन में रखी। उसमें कुछ मुश्किलात भी आती रहीं, मगर वो जो राह रास्त है वो नहीं छोड़ी। मैंने अपनी नौकरी का आगाज़ जो है खैबर पख्तूनख्वा से किया है, 3.5-4 साल मैं वहाँ पे रहा, उसके बाद मैं लाहौर पुलिस में रहा, और अब मेरी डिस्ट्रिक्ट की ये पहली असाइनमेंट है। जी मलिक साहब, आपने गुजरांवाला में दहशत गर्दों के खिलाफ मुकाबला भी किया जिसमें कुछ दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए, एक एएसआई जो हैं वो शहीद हुए, आप भी उस मुकाबला में ज़ख्मी हुए और आपके साथ आपके जो मुलाजम थे वो भी ज़ख्मी हुए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, ये 28 सितंबर 2009 की बात है, और मैं एएसपी कामो की था वहाँ पे। जब हमें इत्तला मिली कि कुछ गाड़ियों को वो लूट के गए हैं, हमें अंदाज़ा नहीं था वो किस लेवल के क्रिमिनल हैं। मौके पर हम पहुँच गए, उस जब क्रॉस फायरिंग में हमारा एएसआई जो जवान था मुनव्वर वो शहीद हुआ, उसमें बाबर मसीह मेरा गनमैन था, उसके बाजू पे गोलियां लगी जिससे उसके बाजू बाद में वो लिम्प्स जो हैं वो काटनी पड़ी। उसके अलावा 4 डाकू जो हैं मारे गए, उन्होंने ग्रेनेड भी फेंका जिसमें मैं भी ज़ख्मी हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को सराहते हुए मुझे, उस शहीद कांस्टेबल को और शहीद एएसआई को, तीनों को पाकिस्तान के जो हाईएस्ट अवार्ड हैं कायदे पुलिस मेडल से नवाजा, और वो डाकू भी अपने अंजाम पे पहुंचे। जी, अक्सर औकात हमें ये बात सुनने में मिलती है कि थानों में जो है सियासी अफराद का बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है, आपकी तैनाती के बाद, या आप क्या समझते हैं कि अब किस हद तक इस बात में सदाकत रह गई? जी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, क्या बेशक वो सियासी हैं या गैर सियासी, हमारे लिए तमाम लोग जो हैं वो नहायत ही काबिल एहतराम हैं, ताजर हैं, चैम्बर के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वकला हैं, और हमारे सियासी रहनुमा, ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हमें इन सब को इन सब के साथ चलना चाहिए। मगर एक चीज़ जो मैंने अपने SHOs को भी की, अपने DSPs को भी की, IOs के फैसला जो है वो मेरिट पे होना चाहिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए, तफ्तीशें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए जिस तरह उनका हक है। बाकी लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है, चाहे वो सियासी लोग हों या गैर सियासी हों। सर, पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म जो है उसको तब्दील किया गया है, इससे रवैयों में क्या तब्दीली आएगी? जी, ये एक यूनिफॉर्म जो है, क्योंकि ओवर द ईयर्स काफ़ी ये बात चल रही थी कि यूनिफॉर्म को तब्दील किया जाए, उसमें हमारे साथ जिस तरह पाक फौज ने भी यूनिफॉर्म तब्दील किया, मैं इसको एक बड़ी पॉजिटिव चेंज समझता हूँ,
और जो रवैयों की तब्दीली है वो तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि आ रहा है, और उन रवैयों की तब्दीली जो है उसमें हम अपना जितने भी DPOs हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें फ्रंट डेस्क है, और आपने देखा होगा कि जो सब इंस्पेक्टर हमारे नए लड़के आए हैं, इनको कुछ को होमिसाइड में बनाया है, किसी को CA में लगाया है, उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है तब्दीली आ रही है। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हमारे प्रोग्राम शहर शहर गली गली की वसादत से आप ज़िला की पुलिस को और यहाँ के दीगर अफसरान जिनमें SHO DSP साहबान मौजूद हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे जराइम में जो है वो मजीद जराइम का खात्मा किया जा सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जब ये महकमा बना 1861 में तब इसका पर्पज़ जो था वो एक डिफरेंट था, वो एक कलोनियल निज़ाम के बैकड्रॉप में ये महकमा बना, मगर पिछले 60-70 सालों में हम वो सफ़र तय कर चुके हैं और अब हमें आगे जाना है। जो ये डिपार्टमेंट जो है इसको एक खिदमत इसमें चीज़ आनी चाहिए, इसमें सर्विस आनी चाहिए। हम प्रोफेशनली भी ठीक हैं, हम सारा दिन काम भी करते हैं, मगर जो सर्विस ओरिएंटेड जो है एस्पेक्ट वो बाज़ औक़ात वो निगलेक्ट हो जाता है। तो मेरा अपने तमाम DSPs SHOs तमाम सिपाह को ये पैगाम है कि आप सर्विस की तरफ जाएं। आपके सामने मोटरवे पुलिस की मिसाल है, आपके सामने बाहर के जितने यूनाइटेड नेशंस में जितने भी ऑफिसर वहाँ से करके आए हैं वो ये बात जानते हैं कि जितनी पुलिस है वो सर्विस ओरिएंटेड है, हम वो चीज़ लैग करते हैं और हमें उसी में काम करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक साहब। नाज़रीन, इनकी कारकर्दगी से बिहारी के लोग और यहाँ के सियासी नुमाइंदे जो हैं, ताजर हजरात हैं, वकला बरादरी है, सहावी बरादरी है, वो इनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन हैं, जानते हैं उनकी ज़बानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली मियाँ साकब खुर्शीद साहब, जिनका एक सियासी घराने से तलक है और ज़िला बिहाड़ी के लिए इनकी और इनके वालदे मोहतरम मियाँ खुर्शीद साहब की जो है वो बहुत सारी खिदमात जो हैं वो मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1988 में मेरे वालदे मोहतरम मियाँ खुर्शीद अनवर की वफात के बाद हमारे ग्रुप के दोस्तों ने मुझे मजबूर किया कि उस मुलाजमत छोड़कर सियासत में आऊं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से जितने भी इलेक्शन उसके बाद लड़े, आवाम की खसूसी मेहरबानी और प्यार शामिल हाल रहा, और अल्लाह ताला के फजल व करम से 4 सूबाई असम्बली के और 2 दफ़ा तहसील नाजम के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। पहली दफ़ा मेरे कागजात मुद्दत पूरी ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गए थे और मेरे कज़न वकार अजीम जिमी MPA बने। उसके बाद 3 दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असम्बली का रुकन और 2 दफ़ा तहसील आजम बना हूँ, और बिहाड़ी के अवाम ने जो हमें जिम्मेदारियाँ सरंजाम दी वो कोशिश यही रही है कि हम बिहाड़ी के अवाम की तवक्कोआत पर पूरा उतरें। लाहौर की डॉल्फिन फोर्स की तर्ज पर बिहाड़ी में भी फाल्कन फोर्स का क्याम किया, और उन्होंने जो ये फाल्कन फोर्स तकरीबन 120 जवानों पर मुश्तमिल बनाई है, इस पर बिहाड़ी के अवाम ने खुशी और एक सुकून सा महसूस किया है, जिससे महल्ले महल्ले गली गली में वो नौजवान ऐसे जो स्ट्रीट क्राइम करते थे उन अनासर को सरकूबी के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और DPO साहब नित नए इनिशिएट लेते हैं क्योंकि ये नौजवान हैं। उनसे पहले उन्होंने अपने ऑफिस में ख्वातीन के लिए एक डेस्क और इसी तरह मेस जो जो नौजवान हैं उनके लिए मेस बनवाया, और इसके अलावा उन्होंने पंचायत सिस्टम के सिलसिले में तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन्स काउंसिल और काउंसलर जो हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, उनकी वसादत से पंचायत काउंसिलें बनानी शुरू कर दी हैं, और इंशाल्लाह जब पंचायत सिस्टम आएगा तो स्ट्रीट क्राइम और जो छोटे छोटे झगड़े हैं, घरेलू झगड़े होते हैं या छोटे छोटे, वो पर्चों से जान छूट जाएगी
اور ان شاء اللہ تعالیٰ امن و امان قائم ہوگا۔ یہ ملک عمر سعید صاحب کی نوجوان ولولہ اور ان کی اچھی سوچ کی عکاسی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام شہر شہر گلی گلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ایس پی ریاض گجر صاحب، جو ٹریفک سرکل کے انچارج ہیں بہاڑی سے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ عوام کی سہولیات کے لیے کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹریفک پولیس بہاڑی، ایک تو پہلے سب سے پہلے یہ کہ میرے پاس دو ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ بہاڑی اور ڈسٹرکٹ لودرا۔ مجھے ہفتے میں دو دن لودرا میں جانا ہوتا ہے مجھے، اور ادھر بھی بڑھے ماشاء اللہ دونوں ضلعوں میں ان شاء اللہ۔ ایک تو ہماری ہے لسنسنگ برانچ، یہاں پہ ہم نے نا لسنسنگ برانچ، ہم نے بالکل میرٹ پہ ہم لسنس بناتے ہیں لوگوں کے آگے، اور اس کے بعد جو ہمارا آ جاتا ہے اپنا ٹرانسپورٹ کا ٹریفک کے حوالے سے آگے نے، ہم ٹریفک سموتھ فور ٹریفک چلانے کے لیے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے، ہم نے ایک باقاعدہ اپنا ایک ایجوکیشن یونٹ بنایا ہوا ہے، جو جا کے وہاں پہ لوگوں کو جا کے اسکولوں میں، کالجوں میں، اسی طرح جرنل بس اسٹاپ اور گھروں میں، محلوں میں جا کے وہ ان کے جا کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کے بارے میں مکمل طور پر بریف کیا جاتا ہے آگے۔ اور صاحب، عام آدمی کے لیے پولیس وہاڑی جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایسا کرتے ہیں، جب ہم چوک میں کھڑے ہیں، ایک بچہ ہے اسکول کا، وہ کراسنگ کر پاتا ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی لیڈیز ہے، کوئی جینٹس ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کو سڑک عبور کرائیں، ان کی ہیلپ کریں آگے۔ اور اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کافی ہماری اس سے فوٹیج بھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ غریب اپنے ایسے بندہ کوئی کمزور بیٹھ کے آ گیا، ان کے لیے ہم پانی تک بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں ہم آگے۔ تو اس وجہ سے ہمارا خاصا پھر اس عوام کے لیے، پھر جو اپنا جو ہماری اگر کوئی وین ویلنگ ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ہم کاروائی کرتے ہیں۔ فالکن فورس جو ہے اس کی جو تشکیل کی ہے، اس سے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے؟ جناب، ہمارے ڈی بی او صاحب عمر سعید صاحب ملک صاحب جو ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جو ہے نا بہاڑی پولیس، ان کی بہت مشکور ہے، بہت زیادہ ان کی مشکور ہے کہ انہوں نے آ کے اتنے اچھے کام کیے ہیں آگے، پولیس کے لیے آگے، عوام کے لیے آگے، کہ وہ اپنی ایک مثال ہیں آگے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے کافی ڈی پی اوز آئے ہیں، لیکن انہوں کا کام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ان کا آگے، ہم دیتے ہیں آگے کہ انہوں نے خاص طور پہ ایک فالکن فورس بنائی ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے، اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں آگے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کیے ہیں آگے، انہوں نے اس کے علاوہ کافی اپنا بہت انتھک ہیں، بہت محنتی ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے ہم ان سے کافی ان سے سیکھ رہے ہیں آگے، ان کی جو اپنے عوام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں آگے۔